शासकीय शिक्षक देता है भाई को वोट देने की धमकी, युवक ने लगाई एसपी से गुहार। मैं सरपंच पद के लिए ग्रामपुरा से खड़ा हुआ हूं, उसी गांव से शिक्षक का बड़ा भाई भी खड़ा हुआ है। उक्त शिक्षक अपने भाई का प्रचार कर रहा है और आदिवासी बस्ती में जाकर धमकी दे रहा है कि मेरे भाई को वोट नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चों को ना पढ़ाऊंगा और ना ही खाना वितरित करूंगा। इसी के साथ जान से मारने की धमकी भी दी है। त्रिलोक सिंह ने एसपी को शिकायत में बताया कि वह ग्राम पंचायत पुरा में सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा है तथा शिक्षक कृष्णपाल सिंह यादव का भाई चंद्रपाल सिंह यादव पंचायत पुरा से ही सरपंच का चुनाव लड़ रहा है। उक्त चुनाव के चलते शिक्षक कृष्णपाल सिंह यादव द्वारा अपने भाई के पक्ष में वोट डालने के लिए वोटों की खरीद फरोख्त की जा रही है तथा सहरिया आदिवासी वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मेरे भाई चंद्रपाल को वोट नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं और ना ही उन्हें खाना वितरित करूंगा। एसपी को शिकायत में त्रिलोक सिंह पुत्र सियाराम यादव ने बताया कि शिक्षक की धमकी से लोग डरे सहमे हुए हैं, इसलिए पोस्टमैन मिट्ठूलाल व शिक्षक कृष्णपाल सिंह को उक्त पंचायत के स्कूल से शीघ्र हटाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा जय कुमार। कहाँ रहते हैं? ग्राम पंचायत पूरा। क्या समस्या लेके आए? समस्या सारी है कि एक शिक्षा के हमारे यहाँ कृष्णपाल सिंह यादव वो चुनाव में प्रचार करते हैं, अपने भाई में भाई के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हैं और नहीं देते तो दबाव भी बनाते हैं। कौन है कृष्णपाल सिंह? शिक्षा के वो दूसरे प्रत्याशी के भाई हैं। क्या नाम प्रत्याशी का? चंद्रपाल सिंह यादव। कहाँ पर पढ़ते हैं कृष्णपाल? शासकीय प्राथमिक विद्यालय पूरा सालावाड़ी मजरा पर पढ़ाते हैं। किस प्रकार का दबाव बना रहे हैं? वो तो सब प्रकार का बना रहे हैं, पैसे दे पैसे बांटने का भी और क्या सब बंद का दबाव बना रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं प्रशासन से मदद चाहते हैं कि कोई भी अधिकारी वर्ग किसी का पक्ष ना रखें।